मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल भागपत. स्टूडेंट, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड चैप्टर फ्रॉम विस्टास, दैट इज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. इन द लास्ट पार्ट वी रेड दैट क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आर टाइम. मतलब हमारे समय में आज एनवायरमेंट को लेकर जो डिबेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक हॉट टॉपिक जो है वो बन गया है. Now, writer asks some questions. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? कि क्या West Antarctic की जो सारी ये ice sheets हैं ये कभी पिघल जाएंगी, सब melt हो जाएंगी? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? क्या ये Gulf Stream का जो ocean current है ये कभी disturbed हो जाएगा? Will it be the end of the world as we know it? और जैसा कि हम जानते हैं, क्या ये टाइम वो होगा जब दुनिया का अंत होने वाला समय ये होगा? मे बी, मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी. ईदर वे अंटार्कटिका इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट. लेकिन कुछ भी हो, इस सारी बात के अंदर अंटार्कटिका जो है एक क्रूशियल एलिमेंट है. क्रूशियल मीन्स मेन, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिस पर डिबेट होती है. तो हियर राइटर सेड दैट क्लाइमेट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स आर टाइम. तो हमारे समय में एनवायरमेंटल पर डिबेट जो एक बहुत ही हॉटली टॉपिक है, प्लस आइस शीट्स का क्या होगा जो अंटार्कटिका की हैं, क्या ये पूरी पिघल जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, या फिर गल्फ स्ट्रीम करंट डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर ये वही टाइम होगा जब हमारी दुनिया का अंत होना है. Not just because it is only place in the world. इसलिए नहीं कि सिर्फ ये एक अकेली only place है दुनिया में, इसलिए नहीं. Which has, just a minute, which has never sustained a human population. सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पर ये एक अकेली जगह है जहाँ पर human population नहीं है, and therefore remain relatively pristine. और यही वजह है कि ये कैसी है, pristine. Pristine means sacred, pure. Now, come to the next part of the chapter. Pristine means ancient, original, अपनी जगह original in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000 years old carbon record. बल्कि इसलिए, क्योंकि इसलिए कि इसके जो आइस कोर्स हैं उसकी लेयर्स के अंदर 500,000 ईयर, मतलब 500,000 ईयर के ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड हैं, जो मिल जाएंगे. ट्रैप्ड इन इट, लेयर्स ऑफ आइस ट्रैप्ड है. ट्रैप्ड इन मीन्स बरीड इन, दबे हुए हैं, कहीं फंसे हुए पड़े हैं. इफ़ वी वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और अगर हम अर्थ के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं, उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो. तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस चीज़ को जाकर समझा जा सकता है. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर, ट्रैप्ड इन. ट्रैप्ड इन मीन्स बरिड इन, एंड प्रिस्टाइन. प्रिस्टाइन मीन्स एंशियंट और ओरिजिनल. एंड रिलेटिवली वन वर्ड इज हियर, रिलेटिवली. रिलेटिवली मीन्स कंपैरेटिवली. नाउ स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द सोकेल्सकी एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग दैम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. नाउ स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस इज अ प्रोग्राम. द प्रोग्राम I was working with, जिसके साथ मैं काम कर रही थी, on the Sokeski aim, इसका aim ये था to do exactly this, बिल्कुल यही, exactly यही करना. क्या करना? By taking high school student to the end of the world, कि high school के बच्चों को इस end of the world, जहाँ दुनिया का बिल्कुल end है, last corner, वहाँ पर लेके जाना, and providing them with inspiring educational opportunity which will help them foster a new understanding and respect for our planet. जहाँ जाकर उन्हें यह फैसिलिटी देना
प्रोवाइडिंग देम इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, कि वहाँ से वो इंस्पायर हो सके, वहाँ से वो प्रेरित हो सके, ऐसा चांस उनको प्रोवाइड करना विच विल हेल्प देम, ताकि वो उन्हें ये चीज़ किस में उनको हेल्प करेगी, ये चीज़ उन्हें हेल्प करेगी फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो एक नई अंडरस्टैंडिंग बना सके, समझ सके, एंड रेस्पेक्ट फॉर आर प्लैनेट, और अपने प्लैनेट के लिए उनके मन में रेस्पेक्ट जागे, इस चीज़ को वो समझ सके. फोस्टर मीन्स डेवलप. इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, और ये 6 साल से ये ऑपरेशन जो था चल रहा था, हेडेड बाय कैनेडियन जी ऑफ ग्रीन हु गॉट ट्राइड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटीज सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे. मतलब ये एक कैनेडियन है जो इसको हेड कर रहे थे प्रोग्राम को, जी ऑफ ग्रीन, और ये कई बार वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ को मतलब लेके गए हैं, क्यूरियोसिटी सीकर जिनके मन में ये इच्छा होती है जानने की कि हम देखें क्या है, हमारी अर्थ कैसी थी, आगे कैसी हो सकती है, इन चीज़ों की जानने की जो अपने मन में क्यूरियोसिटी रखते हैं उनको लेकर ही गए हैं. नाउ मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्टर मीन्स डेवलप, क्यूरियोसिटी मीन्स इच्छा आपकी जानने की. नाउ With student on eyes, he offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. Means with a student on eyes, ये जो program है student on eyes, he offers. Who is he here? Geoff Green. Geoff Green ने ये offer किया कि जो आज की future generation है, जो coming generation है, जो आने वाले टाइम में पॉलिसी मेकर रहेंगे, अ लाइफ चेंज एक्सपीरियंस, तो उनके पास अब जो उस समय हमारी लाइफ होगी प्लेनेट पर उसको चेंज करने का एक्सपीरियंस, एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू अब्सॉर्ब, और आज इस उम्र में उनको यहाँ का विजिट कराना जब वो रेडी है एब्जॉर्ब करने के लिए, लर्न करने के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस पर काम करने के लिए. द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल is because it is impossible to go anywhere near the south pole. और क्या reason था इस program के successful होने का, so successful is क्यों था, because it is impossible to go anywhere near the south pole. south pole के पास कहीं पे भी जाना impossible है and not be affected by it, और कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे प्रभावित ना हो. it is easy to be blessed about polar ice cap melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But here writer said that it is easy to bless, कि ये बहुत आसान है किसी भी काम के अंदर कमी निकालना या किसी बात के बारे में चर्चा करना अपने कमरे के अंदर, अपने कंफर्टेबल जोन के अंदर बैठकर, है ना, विजिबली रेस्पेक्टिव लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मतलब हम जहाँ रहते हैं उस जोन के अंदर बैठे हुए, और आइस कैप्स मीन्स आइस कैप जो हिमशिखर होते हैं उनके मेल्ट होने की बातें करना, इट इज़ क्वाइट ईजी. बट वैन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग, लेकिन जब आप विजिबली सामने जाकर इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से रिट्रीटिंग मीन्स विड्रॉइंग, पीछे हटना, कैसे पीछे हट रहे हैं, कोलैप्सिंग मीन्स फॉलिंग टुगेदर, ढह जाना, गिर जाना, किस तरीके से वो गिर रहे हैं, यू बीइंग टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, तो तब आप वहाँ जाके बाय हार्ट आप इस चीज़ को फील करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की ये जो चेतावनी है ये ज़्यादा दूर नहीं है, और ये खाली बनावटी बात नहीं है, ये वास्तव में रियल है. मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड हियर.
retreating, retreating means withdrawing, collapsing, falling together. Now come to the mark the chapter here. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.